और जो बड़ी खबर है उसे सीधे देश के सभी नागरिकों पर असर पड़ेगा। जो भी भारत के नागरिक है उन सभी के लिए एक खबर बेहद जरूरी है। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और रोजाना की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेकार हुई ऐसा आधार आप नहीं आएंगे काम, UIDAI ने जारी किया चेतावनी। UIDAI ने उपभोक्ताओं के लेमिनेशन आधार या फिर प्लास्टिक स्मार्ट कार्ड PVC कार्ड को इनवैलिड कर दिया गया है। ऐसे आधार कार्ड से आपकी पर्सनल डिटेल्स का बिना आपकी अनुमति के शेयर की जा सकता है। आपको बता दें कि आधार कार्ड को लेकर बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आधार जारी करने वाली अथॉरिटी यानी UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक चेतावनी जारी किया है। UIDAI ने उपभोक्ताओं के लेमिनेशन आधार या फिर प्लास्टिक स्मार्ट कार्ड या PVC कार्ड को इनवैलिड कर दिया गया है। UIDAI का कहना है कि आपके पास प्लास्टिक का आधार कार्ड है तो ये आप बेकार हो जाएगा। UIDAI ने कुछ समय पहले सभी उपभोक्ता के लिए जारी अलर्ट में कहा था कि अगर आप अपने भी अपने आधार कार्ड पर प्लास्टिक या लेमिनेशन कराए हैं तो आपके पास प्लास्टिक का आधार कार्ड है तो ये कार्ड आप काम करना बंद कर सकता है। UIDAI का कहना है कि प्लास्टिक या PVC शीट पर आधार की प्रिंटिंग के लिए 50 से 300 रुपये तक वसूली जा रही है जो पूरी तरह अनावश्यक है। इंटरनेट से ले जानकारी बिना पूंजी के शुरू करें ये काम, घर बैठे होगी अच्छी कमाई। इंटरनेट की दुनिया में आप हर तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। बिजनेस शुरू करने जा रहे लोगों के लिए भी इंटरनेट एक अच्छी सोर्स है। यहाँ से आप जिस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसी की जानकारी लेकर आप अपने इंडस्ट्री मजबूत बना सकते हैं। यही नहीं आपको यहाँ से बिजनेस आइडिया भी मिलेगा। हम आपको ऐसे बिजनेस की जानकारी दे रहे हैं जो घर बैठे बिना इंटरनेट के भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेट की मदद लेनी होगी। और जो आइडिया है वो है कंटेंट राइटिंग बिजनेस, जिससे आप कंटेंट राइटिंग बिजनेस करके ऑनलाइन बहुत पैसा भी कमा सकते हैं। काउंसलिंग बिजनेस, इससे भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, इससे भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। इस तरह से योगा क्लास बिजनेस, इन सभी से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। RBI जारी किया अगस्त का नया नोट, जानिए क्या होगा फीचर। भारतीय रिजर्व बैंक 10 रुपये का नया नोट लाएगा जिस पर गवर्नर शक्तिदास हस्ताक्षर। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा है कि रिजर्व बैंक महात्मा गांधी की नया श्रृंखला में 10 रुपये का नोट जारी करेगा, इस पर गवर्नर दास के हस्ताक्षर होंगे। इस नोट का डिजाइन महात्मा गांधी श्रृंखला में 10 रुपये के बैंक के नए समान होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि पूर्व में जारी 10 रुपये का नोट सभी नोट चलने में बने रहेंगे। महंगा हुआ दूध, अमूल ने इतने रुपए बढ़ाए दाम, 21 में से होंगे लागू। अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोडी के मुताबिक दूध की कीमत में 2 रुपये लीटर के हिसाब में दाम बढ़ाई गई है। ये कीमत मंगलवार यानी आज से चालू हो जाएगा। आपको बता दें कि कल से आपका दूध महंगा हो जाएगा। जी हाँ, प्रति लीटर दूध के लिए 2 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा। दरअसल अमूल ने दूध के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोडी के मुताबिक दूध की कीमतें में 2 लीटर प्रति लीटर हिसाब बढ़ाई दी गई है। ये कीमत मंगलवार यानी आज से चालू हो जाएगा। अमूल का टैंक टोल्ड मिंग का 500 मिलीलीटर का पैक जो आप 21 रुपये में मिलता था उसका दाम है 22 रुपये हो गया। दूसरी 500 मिलीलीटर पैक 28 रुपये हो गया जो पहले 70 रुपये में मिलता था। EPFO में नौकरी करने का बेहतरीन मौका, मिलेगी अच्छी सैलरी, जानिए क्या करना होगा। इच्छुक उम्मीदवार EPFO की अधिकारी वेबसाइट www.epfoindia.gov.in पर विजिट कर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लिखित परीक्षा इंटरव्यू से आधार पर होगा चयन। भविष्य निधि का प्रदर्शन करने वाली सरकारी का समस्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपने यहाँ 280 असिस्टेंट पद के लिए वैकेंसी निकाली है। पद का नाम है असिस्टेंट, योग्यता है स्नातक यानी ग्रेजुएट पास, वेतन क्रम है 44,900 एवं आयु है 20 से 27 वर्ष। पूरा भारत में है इसलिए आपको शुल्क चुकाना होगा। जनरल के लिए 500 रुपया चार्ज की गई है। SC ST SC ST के लिए 250 यानी 250 रुपये चार्ज की है। 25 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 मई से लेकर 25 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं।